योजना द्वारा स्टीज पर दो रीच के तहत SHG के महिला उद्यमियों को सिलाई मशीन का वितरण कार्यक्रम कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्री आलमगीर आलम, उपायुक्त DDC, ITDA निर्देशक, SDO कांग्रेस जिलाध्यक्ष के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। जिला प्रशासन एवं JSLPS के सहयोग से रविंद्र टाउन हॉल में जिले के सभी पंचायतों में हुनर परियोजना के तहत एक एक महिला उद्यमियों को सिलाई मशीन वितरण किया गया। उपायुक्त वरुण रंजन ने कहा कि आम जनों को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित करना राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन की प्राथमिकताओं में से एक है। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह पहल राज्य सरकार की है। जिले के 128 पंचायतों के एक एक समूह के दीदियों और सिलाई मशीन दिया गया। मंडल के दीदियों सिलाई का आजीविका को बढ़ाएंगे। बहुत सारी योजनाएं दीदियों के लिए चलाई जा रही है। सिर्फ सिलाई मशीन से ही रोजगार देना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि इसमें कई चीज जोड़ना चाहते हैं। महिलाओं की योजनाओं से जोड़कर स्वावलंबी की दिशा में ले जाना चाहते हैं। साथ ही साथ सखी मंडल की दीदियों को पलाश चास हाथ की तरह कई अन्य योजनाओं से स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हम निरंतर काम कर रहे हैं ताकि हमारे गाँव की माताएं, बहन, बेटी, दीदियों को सुखी बनाने की हमारी हेमंत सरकार हर प्रयास कर रही है, ताकि आने वाले समय में महिलाएं सभी योजनाओं का लाभ ले सके। स्टिचिंग टू रीच नाम रखा कि पहले भी हम लोगों ने इसी हॉल से हम लोग के सामने हम लोग कुछ महिला को दिए थे 15 महिला, और उसको देने के बाद बड़ी उत्साहित हम लोग हुए साधारण लोग कि उन लोगों का जो इनकम जो हम लोग संग्रह किए करने के प्रयास किए वो देखा कि 17,000 तकबरी एक महीना दो चार दिन होगा 17,000 से लेकर लास्ट सबसे ज़्यादा कम जो रहे 2500, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर इस तरह हम लोग गांव में चिन्हित करके पंचायत में चिन्हित करके कुछ महिला को हम देने की काम करते तो जो रोजगार की एक कमी है यहाँ पर लोग का पलायन हो रहा है, अगर उसका महिला कमाएगी तो सोहर भी उसके साथ कुछ ना कुछ मदद करते रहते हैं, तो ऐसा करके हम तो पलायन को रोकने की काम करेंगे और हम रोजगार देने आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वाभिमान से दूर रहे इस दिशा में हमारी सरकार रही है। और मुझे लगता है कि ये योजना पाकुड़ के लिए आने वाले समय में वरदान साबित होगी। जिला लेवल पर हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर शुरू किया कि किस तरह से महिलाओं को उनके घर में रहते हुए ही हम लोग रोजगार का दिया जा सके, जिससे कि वो अपने परिवार की देखभाल भी कर सकें, अपने घर में उनको सभी का घर रोशन भी कर सकें और इन सभी दायित्वों का निर्वहन करते हुए साथ ही साथ वो अपने परिवार के लिए एवं अपने लिए कुछ आमदनी भी कर सकें, जो कि एक सप्लीमेंट्री इनकम के रूप में उनको परिवार उनके परिवार जिंदा है पर एक और भूख भी जिंदा है, ये है रॉबिनहुड आर्मी के कर्मठ रॉबिन, और इनमें भूख मिटाने की भूख जिंदा है। ये ऐसे भाव से अपने अपने शहरों में घरों होटल या रेस्टोरेंट से बचा हुआ खाना इकट्ठा कर अपने ही शहर में किसी जरूरतमंद के साथ बांटते हैं। तो आइए हम और आप भी रॉबिनहुड आर्मी से जुड़ जाएं। अरे आज क्लास दीपू के रूम में? हाय मैम, कल रात से इसको पेट दर्द है तो सोचा। क्या फाइन, स्टमक इन्फेक्शन निकला तो देखते हैं, नहीं तो पास वाले केमिस्ट से दवाई मंगवा लूंगी। हेलो, सवाल इसकी हेल्थ का है, जवाब एक्सपर्ट से पूछ लें, जैसे मुझसे वीडियो कॉल कर रहे हो वैसे प्रैक्टो पे डॉक्टर से कर लो। गुड बाय डाउट्स, से हेलो टू टॉप डॉक्टर्स ऑन प्रैक्टो वीडियो कंसल्टेशन 24/7। हेलो डॉक्टर,
आखिर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी दवाइयाँ ऑर्डर करें और बुक करें लैब टेस्ट या अपॉइंटमेंट। प्रैक्टो डाउनलोड दिया। कास्ट 24 पे खरीदो 140 प्लस क्वालिटी चेक से गुजरी कार। कास्ट 24, अ होल न्यू वर्ल्ड ऑफ कार्स। वेलकम, यू हैव नेवर नोन। वेलकम टू अ जर्नी यू हैव नेवर इमेजिनड। वेलकम टू अरेबिया, सऊदी।